हम एक चौक चुराव से होके गुजर रहे हैं निकाली जा रही है।
ये सब यात्रा सरकार के लिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी जगह इनकी हिस्सेदारी खत्म करके इनको ये बता दिया कि हमारे लिए तुम मर चुके हो और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए ये सरकार मर चुकी है। क्योंकि जितने जज लगे हाईकोर्ट में मनोहर लाल खट्टर ने सब जनरल कैटेगरी से लगाए, प्रोफेसर लगाए वो सब जनरल कैटेगरी से लगाए, जितने इंस्पेक्टर लगे थे वो सब जनरल कैटेगरी से लगे और अब तो हद ही कर दी है कि 61 एचसीएस की भर्ती में बैकवर्ड क्लास का हिस्सा 6% और शेड्यूल कास्ट का हिस्सा 10%, यानी 85% लोग 85% लोग हिस्सा 16% और 84% हिस्सा 15% लोगों का। अब बताइए ये सरकार जिंदा है हमारे लिए या मरी हुई है? इसकी आज अंतिम शव यात्रा निकालने के लिए यहाँ पिंड दान करने के लिए इस सराहे के ऊपर आप सभी पिंड दान करने के बाद यहाँ से आरथी को उठाएंगे और अम्बेडकर चौक की तरफ रवाना होंगे। ये सरकार हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बहका करके हिंदू मुसलमान दिखा करके और इसी प्रकार के लोग लुभावने हमारे बीच में से ही जिला अध्यक्ष बना दिया, मंडल अध्यक्ष बना दिया, करमंडल अध्यक्ष बना दिया, ये दिखाते हैं मुखौटे जैसे मोदी का मुखौटा दिखाया बैकवर्ड को, इसी प्रकार के मुखौटे लगा करके इनको लूटते हैं, इनके वोटों का इस्तेमाल करते हैं। ये अतिक्रमण हमेशा में चलता रहे, इसीलिए इस सरकार को 2024 में सत्ता करने से पहले इसकी अंतिम संस्कार जरूरी था। हम आज इसका अंतिम संस्कार हर जिले में एक दिन छोड़ करके कल को हम परसों को हमारा गुड़गावा के अंदर होगा और उससे एक दिन बाद फरीदाबाद के अंदर 20 तारीख को होगा और इसी प्रकार से फिर नू और मेवात और पलवल में होगा। मित्रों इस सरकार को यह बता देना जरूरी है कि 2024 में आपका अंतिम सफाया करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय सुमेरा वर्ग पार्टी आपके कफन की कील बन करके सामने आएंगे, इसीलिए अर्थी उठाए और आगे चले। हरियाणा
सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद आज ये सरकार जिसका हम अंतिम संस्कार करके यहाँ कल बच्चों को 18 तारीख को गुड़गावा में करेंगे, आज 12वें जिले में हमने सरकार का अंतिम संस्कार किया है। हमसे पहले सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, झज्जर और जो है फतियाबाद, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जिलों में आज रिवाड़ी में और परसों को गुड़गावा में इनका अंतिम संस्कार होगा। क्यों? कि इस सरकार के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी मर चुके हैं। जो इनके मूल वायदे थे कि बच्चों को रोजगार देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, किसान की आमदनी दोगुनी करने का और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, वो सारा सीन पूरी दुनिया ने देख लिया है और अब सीन और देखने की हिम्मत भी किसी में नहीं रही। और उसके पश्चात SC ST OBC के एक जज लगा हाई कोर्ट में 10 जजों में, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड 0। जितने प्रोफेसर लगाए बैकवर्ड के सिर्फ 5% लोग लगाए और 27% कहाँ गया मालूम नहीं। शेड्यूल कास्ट के 3% लोग लगे, 23% कहाँ गया मालूम नहीं। ठीक इसी प्रकार से 61 SCS भर्ती हुई, 61 SCS में 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती किए। बताइए जब 85% लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके लिए वो मरे हुए हैं और कहते हैं कि हमने मेरिट पर, मेरे पास यहाँ लालचंद मास्टर जी खड़े हैं, मास्टर लालचंद जी इधर खड़े हैं, आप बताएंगे कि आपके बेटे ने मेरिट ली। और इसी प्रकार के असंध के लड़कों ने जो कट ऑफ लिस्ट थी, मेरिट की लिस्ट जो है ना बैकवर्ड क्लास की 627 और जनरल कैटेगरी की 605, जिनको 603 और जिनको नंबर दिए गए 200 में से इंटरव्यू के 180 और हमारे लोगों को दिए गए 6 नंबर, ये भेदभाव, ये सारा राजनीतिकरण, अगर इस प्रकार के SC ST OBC के लोगों को जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दिखा दिखा करके और मंत्री MLA दिखा दिखा करके लूटने का अगर काम करेंगे, वो मूक दर्शक जो हमारे लिए मरे हुए हैं, जिनको देख करके जनता भ्रमित होती है, आज वो लोग ये बात सोच लें कि अगर SC ST OBC का हिस्सा नहीं तो आगे को वोट नहीं। 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय मेरा वर्ग पार्टी, भाई महेश जी और इनकी पूरी टीम, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की पूरी टीम आज इस संस्कार, अंतिम संस्कार यात्रा में जिन भाइयों ने आकर के इस सरकार को चेताने के लिए आज का जो प्रदर्शन किया, अगर सरकार के दिमाग में कहीं सफाई है तो हमारे लोगों को जातिगत जनगणना कराएं, संख्या के मुताबिक उनका हिस्सा दें। हमें SC ST OBC के मुखौटे नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हिस्सा, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, संख्या अनुपात में हिस्सा चाहिए और इसी प्रकार का क्रीमी लेयर हटना चाहिए। महिला आरक्षण के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन बातों को लेकर के आज भाई पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र तंवर जी और भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जांगड़ा साहब प्रीतम जी और पार्टी के संयोजक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के भाई यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांचाल जी और भारतीय मेरा वर्ग पार्टी के संयोजक भाई महेश जी, आप सभी मीडिया वासियों से भी विनती करते हैं कि भाई आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और इस संस्कार की अंतिम संस्कार करके हम इनके फूल चुगने की घोषणा
अभी मतलब जो है ना 3 दिन बाद इनके फूल भी चुगने हैं।